बोलिए, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार साथियों, हमारा ये क्षेत्र हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति की पहचान है। इसलिए यहां ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी आस्था को सम्मान दे, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है, उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है, ये आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं, हमारे देवी देवता भगवान नहीं है, हिंदू धर्म में गांव गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? आप सहमत हैं? क्या ये हमारे देवताओं का अपमान है कि नहीं है? और ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे, जी भर के सजा देंगे। कांग्रेस के लोग ऐसी बातें भूल चूक से नहीं बोलते हैं, ये सोची समझी चाल है, ये एक नक्सली सोच है, ये दूसरे धर्मों और दूसरे देशों से इंपोर्ट की हुई सोच है। आज कांग्रेस पर इसी नक्सली सोच का कब्जा हो गया है। इसलिए आपको इन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, इसी नक्सली सोच के साथ कांग्रेस ने यहां डोगरा परंपरा पर भी हमला किया, अनाप शनाप लांछन लगाए। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये डोगरों की धरती पर आकर यहां के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। कांग्रेस के नेता ने डोगरा विरासत पर ये हमला जानबूझकर किया है।
ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। इनको वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता है, इसलिए इन्होंने सालों साल तक जम्मू और कश्मीर के बीच खाई को गहरा किया। जम्मू के साथ हमेशा हमेशा भेदभाव किया, जबकि बीजेपी ने महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस को जन्मदिवस पर छुट्टी घोषित कर इस महान विरासत को सम्मान दिया है। हमने जम्मू को विकास की नई धारा से जोड़ा है। साथियों, रियासी और उधमपुर के साथ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कैसा सौतेला व्यवहार किया है ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अटल जी की सरकार के समय चेनाब ब्रिज स्वीकृत हुआ था, लेकिन कांग्रेस एनसी की सरकार ने इसकी फाइल को दबा दिया। आपने मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ये काम सौंपा, आज ये शानदार पुल सुविधा के साथ साथ आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है। पेरिस के जिस एफिल टावर की इतनी चर्चा होती है, जहां लोग सेल्फी ले खींचने जाते हैं, ये चेनाब ब्रिज उससे भी कई फीट ऊंचा है। आज दुनिया भर में हमारे खूबसूरत चेनाब ब्रिज की तस्वीरें छाई हुई है। साथियों, भाजपा कैसे काम करती है इसके साक्षी कटरा के आप सभी लोग हैं। जब हमने देश में वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का फैसला किया, तो शुरुआती ट्रेन कहां से चली? शुरुआती वंदे भारत ट्रेनों में से एक दिल्ली से कटरा के लिए चलाई गई। आज दो दो वंदे भारत ट्रेनें यहां दिल्ली से पहुंचती है। पहले जब मैं यहां आता था तो रेलवे स्टेशन की हालत बहुत खराब थी। बीते वर्षों में कटरा रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन में नई सुविधाओं का निर्माण हुआ है। आज उधमपुर और रामबन की दूरी लगभग सिमट गई है। चेनानी नासरी टनल बनने से जम्मू और श्रीनगर आने जाने में कई घंटे कम टाइम लगता है। ऐसी कई टनल जम्मू कश्मीर में बन रही है, जिससे हमारा ये राज्य
देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बन रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर भी तेजी से काम चल रहा है, इसलिए दिल्ली आना जाना और आसान होगा। इससे यहां फल और सब्जी के किसानों को भी बड़ा बाजार मिलेगा। साथियों, आज जम्मू कश्मीर का पानी यहां के किसानों, यहां के नौजवानों के काम आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने तो अपने हक का पानी तक सीमा पार जाने दिया। ये यहां बड़े डैम बनाने तक की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कांग्रेस तो इतने दशकों तक शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट को हाथ भी नहीं लगा पाई। इसके कारण जम्मू डिवीजन की हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर हो रही थी। भाजपा सरकार न आती तो आज भी कठुआ और सांबा जिले के सैकड़ों किसान, वो हमारे किसान परिवार बेहाल होते। अब शाहपुर कंडी डैम बनने से हजारों किसानों को नई जिंदगी